अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू जी। खमीस का दिन है जी, उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे जी। जुमेरात का दिन है 3 नवंबर 2022 है जी, यम खमीस 3 नवंबर 2022। टुडे रेट अपडेट इज लाइक दिस जी कि कुछ खास चेंजेस नहीं है। पाकिस्तान के लिए लिटिल इंक्रीज़ हो गया है, 58.71 है, 23 रियाल चार्जेज है जो कि ICC के थ्रू पे हम बेचते हैं, किसी भी बैंक में बेच सकते हैं। जस IBAN नंबर चाहिए, यानी 24 नंबर वाला जो अकाउंट नंबर है वो ज़रूरी चाहिए, वो कंपलसरी है, उसके बगैर नहीं होगा। पाकिस्तान के लिए जितना भी अकाउंट नंबर है अभी पूरा इस तरह है, 24 नंबर है, जितना भी अकाउंट नंबर है वो पूरा 24 नंबर पूरा चाहिए होता है। पाकिस्तान नाम पर भेजने के लिए जो है वो 58.77 है जी, 23 रियाल चार्जेज है, किसी भी बैंक से ले सकते हैं, UBL, MCB, नेशनल बैंक, अलाइड, पंजाब बैंक, हबीब, मेट्रोपोलिटन बैंक, इस्लामी, अल्फला, ऐसा करके ये सारे बैंक है, जड़ा मर्जी तुसी ले लो। कमियो बैंक चिखवा खिस्तासुदा ना लस बैंकों ने दिया कि रश्तेशी 58-77 रेट थे, बैंक टू बैंक दोपहर 58-71 रेट थे। तो ये जी पाकिस्तान का रेट अपडेट 58.71 बैंक टू बैंक, 58.77 कैश पिकअप के लिए। इंडिया 21.77 आई थिंक द हाईएस्ट रेट है जी, जो इंडिया का रेट है ये बिल्कुल हाई लेवल पे पहुंच गई है, इससे ज़्यादा क्या होगा। किसी भी बैंक में बेच सकते हैं, आपके पास तीन चीज़ें होनी चाहिए, करेक्ट IFSC कोड, करेक्ट अकाउंट नंबर एंड बैंक एंड बेनिफिशियरी नेम, ये तीन चीज़ें हैं तो कोई इशू नहीं है, 24 आवर्स के अंदर मिलेगा। अगर जुमा हफ्ता एतवार को भेजेंगे तो फिर डिले होते हैं, क्योंकि फ्राइडे सैटरडे संडे ये तीन दिन छुट्टी होती है, तो मोस्टली जो थर्सडे के बाद चले जाते हैं वो फिर उधर नहीं मिलते, क्योंकि फ्राइडे को इधर हमारे यहाँ छुट्टी होती है, सैटरडे संडे उधर इंटरनेशनल छुट्टी होती है, वो मंडे इवनिंग को फिर मिल जाते हैं। तो इंडिया बैंक टू बैंक का रेट है 21.77, इंडिया कैश पिकअप का रेट है जी 21.66, सेम है, मुथूट फाइनेंस से ले सकते हैं, मनापुनम से ले सकते हैं, रेट है 21.66 जी। ये जी रेट अपडेट इंडिया का कैश पिकअप के लिए है। अभी ज़रा हमारा जो एक आध सॉफ्टवेयर है वो प्रोग्राम वो इतना काम नहीं कर रहा, ज़रा उसमें मसला चल रहा है, वो डाउन है थोड़ा उसका सर्वर, तो इसीलिए ज़रा प्रोग्राम चेंज है, इसीलिए चार्जेस और उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है, लेकिन मैंने नहीं किया, फ़िलहाल मैंने सेम रख दिया, जो कुछ भी वो फ़िलहाल सेम है, इसीलिए थोड़ा मैक्सिंग चल रहा है, थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, तो फ़िलहाल ऐसा है जी। कि दूसरे प्रोग्राम का रेट इंडिया का बैंक टू बैंक, अदरवाइज जो हमारा सही है वो उसमें थोड़ा ज़्यादा है, 11 नंबर वाला, ये 9 नंबर वाला है इंस्टेंट कैश के थ्रू, थोड़ा रेट कम है पिकअप का, लेकिन इशू नहीं है, अभी एक दिन के लिए ऐसा है, इंशाल्लाह अभी ठीक हो जाएगा कुछ देर में। फॉर फिलीपींस इट्स इंक्रीज, फिलीपींस गोइंग अप नाउ अगेन, फॉर फिलीपींस 15.45, 17.25 इज चार्जेस यू कैन रिसीव फ्रॉम सिबुआना, एमलियो, लियर, पालावान, फिलीपीन पोस्ट, अलाइड एक्सप्रेस, जी कैश, सम एजेंट लाइक दिस यू कैन रिसीव फ्रॉम ऑल दिस। सो टुडे रेट फॉर फिलीपीन इज 15.45। Bangladesh bank to bank 28.64, which is good rate now from few days, it's same, कुछ दिनों से बांग्लादेश का सेम रेट चल रहे हैं, 28.64 रेट है बांग्लादेश बैंक टू बैंक का, 17.25 17.25 चार्जेस है, अगर 10,000 रियाल का ऊपर है तो फिर 23 रियाल चार्ज आएगा, 10,000 रियाल का नीचे है तो फिर 17.25 17.25 चार्जेस है, 28.64 रेट है, किसी भी बैंक में बेच सकते हैं बांग्लादेश के लिए। बांग्लादेश के लिए जो प्रॉब्लम है, करेक्ट अकाउंट डिटेल चाहिए ओनली, जैसे अकाउंट का नंबर हो गया, बैंक नेम हो गया, बेनिफिशियरी जिसके नाम पे अकाउंट है उसका नाम हो गया, दो चीज़ ज़रूरी जो है बांग्लादेश के लिए, वो आपका डिस्ट्रिक्ट और आपका ब्रांच है, आप लोगों का डिस्ट्रिक्ट और ब्रांच ये दोनों अलग होता है, इसीलिए दोनों का नाम चाहिए, एक का नहीं, अगर दोनों भी सेम है तब भी दोनों का नाम चाहिए। अगर चांदपुर डिस्ट्रिक्ट है, चांदपुर कैन ब्रांच, सदर बाज़ार ब्रांच है, तो वो दोनों लिखना चाहिए, लेकिन अगर चांदपुर में दूसरा जगह है तो फिर मेंशन करना चाहिए, अगर कोई ढाका में दूसरा जगह है तो मेंशन करना चाहिए, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट आपका अलग है, ब्रांच आपका अलग है, इस चीज़ का ख्याल करीजिए। 28.64 ये रेट है, 28.64 रेट है बांग्लादेश बैंक टू बैंक का, करेक्ट डिटेल है, चेक बुक है तो भाई चेक बुक है तो उसमें, तो अगर आप लोगों के पास ऐसा करके कोई चेक बुक है ना तो ये बहुत बेहतरीन है। देखो ये चेक बुक है, जैसे इसमें नाम लिखा है, अकाउंट नंबर लिखा है,
ये इस्लामी बैंक या आपका कोई भी बैंक है तो मुश्किल नहीं है। अगर ऐसा करके चेकबुक आपके पास है ना, या अभी मेरे पास कस्टमर है उसको पैसा भेजना, उसके पास ऐसा चेकबुक है तो एक इसमें अकाउंट नंबर आपका गलत नहीं आएगा, कभी भी अकाउंट नंबर का गलती नहीं होगा, ब्रांच का गलती नहीं होगा। इसमें देखो जैसे लिखे हुए ना, ढाका ब्रांच है नसरीन सुल्ताना, इसमें नाम आ गया जी, ये देखो ये ब्रांच आ गया बंसरी ढाका, ऐसा करके ये आपका अकाउंट आ गया। ऐसा करके आपको गलती का गुंजाइश नहीं होगा अगर आप लोग ये चीज़ लेके आते हैं तो। कोशिश करो आप ये चीज़ लेके आओ, इसमें आपके पास ये गलती का गुंजाइश नहीं होगा और आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। तो ये जी बैंक टू बैंक का रेट है, और जी इधर रेट आपके पास आएगा फिर दोबारा कैश पिकअप का 28.34 है, 28.34 रेट है कैश पिकअप का जी। किसी भी बैंक से ले सकते हैं, रूपाली, पोबाली, सोनाली, अग्रणी, इस्लामी, डच बंगला, नेशनल, एनसीसी, एशिया, ये करके किसी भी बैंक से उठा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 28.34 रेट है और जल्दी मिल जाते हैं नाम में, विद इन फ्यू मिनट्स मिल जाते हैं, 10-15 मिनट के अंदर नाम पे मिल जाते हैं, कोई इशू नहीं कोई भी बैंक से। अकाउंट में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि वो डायरेक्ट नहीं है। इंडोनेशिया 4062 फॉर 1 रियाल, 23 रियाल इस चार्जेस, नथिंग चेंज फॉर इंडोनेशिया। श्रीलंका 96.29, इट्स इंक्रीज बट वी आर यूजिंग अल्टरनेट अनदर एप्लीकेशन फॉर दिस। ऑल बैंक विच बैंक यू हैव नो प्रॉब्लम, जस्ट नीड करेक्ट डिटेल फॉर अकाउंट एंड फॉर ऑल। देन नेपाल के लिए है 35.06 है जी, 35.06 रेट है नेपाल का। प्रभु से ले सकते हैं, IME से ले सकते हैं, कुमारी बैंक से ले सकते हैं, हिमाल से ले सकते हैं, आईपे से ले सकते हैं, ये सब से ले सकते हैं, कोई इशू नहीं, बस आपके पास करेक्ट डिटेल होना चाहिए। तो ये जी रेट अपडेट है आज का, ये थर्सडे का है, फ्राइडे को फिर इंशाल्लाह कोई नया अपडेट आएगा तो करेंगे, फिर उसके बाद वैसे भी 3 दिन सेम रेट रहना है, लेकिन आज तक के लिए, अभी तक के लिए इतना ही है। इंशाल्लाह कोई अपडेट होगा, कोई चेंजेस होगा तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ जी, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखें, अल्लाह हाफिज़।